हमारे साथ चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान से बात करते हैं। चिराग जी, कैसा माहौल है, क्या आपने किया और क्या छूट गया? खैर, माहौल तो आप ही मुझे बताएंगे, आपका जो फीडबैक आएगा वो बहुत स्वतंत्र आएगा, मुझे इंडिपेंडेंट फीडबैक होगा। तो बहरहाल, बट जितना मैं समझ पाया, माहौल पक्ष में है, विश्वास है, और विश्वास मेरा अपने पिछले किए गए 5 साल के कार्यकाल पर भी है। 5 साल निरंतर जनता के बीच में रहा, क्षेत्र आता जाता रहा, कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करूं, संपर्क साधूं। आपके दोनों छोटे भाई जो हैं दूरियां बना चुके हैं, एक छोटे भाई ने मोर्चा खोल दिया, क्या आपने छोटे भाई को समझाया नहीं? बात तो होती है आपसे। नहीं, देखिए, मैं समझाऊंगा जरूर, बड़ा भाई हूं, मेरी भूमिका भी है कि मैं अपने भाइयों को समझाऊं। ये एक ऐसी विपरीत परिस्थिति का लाई है, जिस तरीके से मेरे दो छोटे भाई अलग अलग राह पर चलने लगे हैं, ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर इसी तरीके से माहौल बरकरार रहा तो उनका जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं वो समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। अगर परिवार में ही इतना ज्यादा कलह हो गया है और जिसका जिसका दुष्परिणाम कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक जीवन में, राजनीतिक भविष्य में भी देखने को मिलेगा, तो चिंता का विषय तो है ही है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनको घर में इज्जत नहीं मिल रहा है, मेरी माँ की सीट छपरा है, माँ वहाँ से चुनाव लड़े नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, उन्होंने जहानाबाद, शिवहर सभी जगह उम्मीदवार उतार दिए हैं। नहीं, खैर भैया, अब उनका अपना अंदरूनी मामला है, मैं क्या ही बोलूं, बड़े भाई हूं, पर उसके बाद भी मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, एक हद तक मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूं। बट हाँ, इतना जरूर चाहूंगा कि आपस में बैठ के घर परिवार की बातें जब इस तरीके से पब्लिक डोमेन में आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, अगर वो लोग आपस में बैठ के सुलझा लें तो बेहतर रहेगा। कई जगह सीट की बात की जाए, सीट अभी साफ नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा को ज्वाइन करना था फिर उनके डेट को टाल दिया गया, क्या शत्रु जी बीजेपी के शत्रु थे, अब कांग्रेस के क्या? नहीं नहीं, बीजेपी के शत्रु खैर पता नहीं, अब शत्रु हो गए, खैर बहरहाल। हाँ, वही मैंने कहा कि जिस तरीके से अभी तक कितनी ऐसी सीटें हैं जिसमें कोई क्लैरिटी ही नहीं आ पाई है, आपके पहले चरण की मतदान की तारीख आ गई है सामने, एक हफ्ते के बाद इस समय प्रचार बंद हो जाएगा पहले चरण के लिए, और अभी तक आपको नहीं पता कि आने वाले चरण में आप लोगों ने भले सीटों की अनाउंसमेंट कर दी, बट आपके प्रत्याशी अभी तक क्लियर नहीं है।